जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है, इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी नींद से जुड़ी हुई। कहते हैं कि जिस दिन अच्छी नींद ना मिले तो पूरा दिन थकाऊ बन जाता है, लेकिन ये सिलसिला अगर लगातार चलता रहे तो हार्ट स्ट्रोक जैसे जानलेवा खतरे की तरफ ले जा सकता है। मेडिकल न्यूज टुडे में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक ये इंसान की नींद का पैटर्न तय करता है कि उसकी सेहत कैसी रहेगी। स्टडी के मुताबिक नींद का सीधा असर सेहत पर भी पड़ता है। अगर नींद में खलल है तो इसे पहचानने के लिए 10/7 का फॉर्मूला भी बताया गया है। नींद की क्वालिटी को लेकर खुद भी अलर्ट रहें और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। दिन की शुरुआत में ही सेहतमंद जिंदगी का अक्स छिपा होता है। अगर रात में बेफिक्र और गहरी नींद का साथ मिला हो तो सुबह का उगता सूरज उम्मीदों के साथ खुशमिजाजी की सौगात लेकर आता है। लेकिन अगर रात में नींद ही पूरी ना हुई हो तो सुबह की ताजगी चेहरे से गायब हो जाती है, मन में चिड़चिड़ापन घर कर लेता है, हर वक्त सुस्ती महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता। और अगर यही पैटर्न लंबे वक्त तक चलता रहे तो धीरे धीरे पूरे शरीर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मेडिकल न्यूज टुडे नाम के जर्नल में पब्लिश्ड ताजा स्टडी आपकी सेहत और नींद के गहरे रिश्ते को उजागर करती है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की स्टडी के मुताबिक आपकी नींद का पैटर्न तय करता है कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। यानी अगर आप अच्छी और भरपूर नींद लेते हैं तो आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, लेकिन अगर नींद की क्वालिटी और टाइम घटता है तो सेहत का बिगड़ना तय है। रिसर्च करने वाली टीम ने दावा किया है कि किसी भी स्लीप पैटर्न को देखकर उसकी सेहत के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। इस रिसर्च में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम ने स्टडी में स्लीप के 4 पैटर्न बताए हैं। पहली कैटेगरी गुड स्लीपर्स की है। ये वो लोग हैं जो कम से कम 7 घंटे गहरी नींद में सोते हैं। दूसरी कैटेगरी नेपर्स की है जो कई टुकड़ों में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। इसके बाद वीकेंड स्लीपर्स हैं जो रोज कम सोते हैं लेकिन वीकेंड में नींद पूरी कर लेते हैं। इंसोमनिया स्लीपर्स वे लोग होते हैं जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती और ये लोग दिन भर थकान महसूस करते हैं। नींद जरूरी है ये तो सभी मानते हैं, लेकिन जब इस रिसर्च ने नींद के पैमाने पर सेहत को आंका तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। इस रिसर्च के मुताबिक 50% से ज्यादा लोग इंसोमेनिया स्लीपर्स यानी अनिद्रा के शिकार हैं या टुकड़ों में नींद पूरी करते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कम नींद से हार्मोनल गड़बड़ियां हो सकती हैं, याददाश्त में कमी आ सकती है, बेचैनी, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कम नींद लेने वाले लोग गुड स्लीपर्स की तुलना में 20 से 25 साल कम जीते हैं। रिसर्च में गुड स्लीपर्स की संख्या सबसे कम मिली। ऑफिस जाने वाले ज्यादातर लोग वीकेंड स्लीप पैटर्न फॉलो करते हैं। यदि नींद प्रॉपर नहीं होती है तो एक स्ट्रेस रिलीज होता है। स्ट्रेस के कारण बॉडी में कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं जैसे जिनको हम कैटेक्लामिन बोलते हैं, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना, फिर जो धमनियां है उसमें ब्लॉकेज की संभावना बढ़ना, ये सब फैक्टर्स होते हैं। दूसरा जो एक नींद की कमी है, जो स्ट्रेस है, उसके कारण हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और ये चीज खासकर उन प्रोफेशंस में है, उन व्यवसायों में ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि हाई स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं। इसलिए सर ये चीज ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। इस रिसर्च में अच्छी नींद के दुश्मनों का जिक्र भी किया गया है। इसके मुताबिक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी से ज्यादा देर तक चिपके रहने वाले लोग अपनी नींद खराब कर लेते हैं। इन गैजेट से निकलने वाली रोशनी शरीर में नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन नहीं बनने देती। इसके साथ ही मानसिक तनाव, डिप्रेशन, खराब लाइफस्टाइल, शराब और स्मोकिंग भी अच्छी नींद के दुश्मन हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि अच्छी नींद के लिए अच्छी लाइफस्टाइल का होना बेहद जरूरी है। अगर आप गहरी नींद चाहते हैं
तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कम से कम इस्तेमाल करें। सुबह शाम खुली हवा में सैर के लिए निकलें। परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जंक फूड, चाय, कॉफी न लें। नशे से दूरी बनाएं। सोने से 2 घंटे पहले डिनर करें। अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है कि मन शांत हो, और खासकर एक बहुत देखा गया है कि आजकल काफी लोग रात को सोते समय मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल की जो लाइट रहती है उसके कारण हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, और नींद तभी आएगी जब ब्रेन शांत हो। इसलिए जितना हो सके मोबाइल का इस्तेमाल सोते समय नहीं करना चाहिए। लाउड म्यूजिक है, कोई भी चीज जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करे, फिर विचार ज्यादा, यदि विचार करेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हमें नींद तभी आती है जब हमें प्रॉपर उसका मन एक हमारा रेस्ट हो, एक मन शांत हो, तभी नींद का पॉसिबिलिटी है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च खतरे की एक घंटी है। ये आगाह कर रही है कि अगर सेहतमंद जिंदगी चाहिए तो नींद को नजरअंदाज करने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ये जरा सी लापरवाही सेहत ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।